What's up? Welcome back to another vlog. My name is Sheetal. लगी ने पैर अभी क्या कर रहे हैं बोल पहले कई बोल ये छोड़ो जाओ जी आ गए वापस आ गए अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि वी आर ट्रेवलिंग टू श्रीनगर गढ़वाल और हम यहाँ पे आए हुए हमें हो गया है हम आए थे सैटरडे को एंड टुडे इज ट्यूसडे सो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ मैंने इतने दिन से कोई ऐसा कुछ ब्लॉग बनाया नहीं बिकॉज वी वर क्वाइट बिजी और आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ससुराल के आसपास का एरिया खेत और थोड़े से यहाँ के जो घर है वो सब एंड टाइम है 6 बजे अराउंड 6:30 हो चुका है और हम आए हैं इवनिंग वॉक पर सो वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस स्टे ऑन दिस वीडियो ये यहाँ के बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं और वो जो एरिया है यहाँ पर रेलवे का काम चल रहा है सो बेसिकली ये या तो रेलवे स्टेशन बनने वाला है अदरवाइज ये रेलवे ट्रैक बनेगा और यहाँ पे जो अंडरग्राउंड पुल होता है क्या बोलते हैं उसको वो बन रहा है तो यहाँ पे ब्लास्टिंग होती रहती है रात भर काम चलता है और ये वाला है ये है हमारा हाउस यानी कि मेरा ससुराल और ये है लातो से हाय How are you? Fine. How are you? How are you? I'm fine. ये जो पेड़ है ये किस चीज़ का पेड़ है ये घना वाला बरगद बैनियन ट्री और इसके अंदर मतलब इस पेड़ के एरिया में है नागराजा का मंदिर हमारे इष्ट देव का और ये है पुच्चू की बचपन की जगह बर्थ प्लेस तो नहीं है क्योंकि ये कानपुर में हुए थे बट इनका घर है इनकी देश की माटी इनका जो ब्लॉग है टूर वाला आई होप आप सबको पसंद आया होगा तो हिट लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और अभी अगर ये फिर कोई ब्लॉग बनाएंगे मेरे ब्लॉग से डिफरेंट तो वो भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी एंड कीप वॉचिंग
और ये यहाँ के गोल गोल पत्थर जो कि बड़े क्यूट हैं। यहाँ की मिट्टी की ये खास बात है, यहाँ की मिट्टी में ज़्यादा पानी अगर नहीं भी हो पाता है, रेगुलर वाटरिंग नहीं दी, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ की जो फसल है वो ग्रोथ अच्छी होती है। तो क्रॉप वाइज ये बहुत ही अच्छी एरिया है। और ये जो यहाँ के पत्थर हैं, आपको मोस्टली ऐसे ही पत्थर दिखेंगे ये, और इससे बड़े बड़े भी हैं, बहुत सारे दिखाऊंगी, ये तो अभी छोटे हैं और ये भारी बहुत है। दूसरा दिखाओ आप, दूसरा दादू की खाएगी एक गोल गोल पत्थर। यहाँ पे चल रहा है काम, पुल बन रहा है, जो रोड है यहाँ से दिखेगी क्या नहीं दिखेगी, बहुत दूर है। और इन्होंने ब्रिज बनाया है, एक रोड दिखाती हूँ, ये दिख रही है, ये रोड है, ये ऐसे आती है वो देखो, और वो लगभग 10 किलोमीटर होके फिर उतना ही, जैसे ये ऐसे चलिए तो उतना ही हमें वापस यहाँ आने में बहुत डिस्टेंस पड़ता था। तो ये इन्होंने यहाँ से जो ब्रिज बनाया है, ये सीधे 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 यहाँ पे आएगा, ये डाउन होता आएगा लेवल नदी के ऊपर से, और हम यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। सो हमारा टाइम भी बचेगा, और देखो कहाँ पे चढ़ा पड़ा है, इतना रिस्की काम है, बट यस दे आर डूइंग वेरी वेल। ये है मेरे जेठी बड़े लाडू के दादाजी, बच्चे आपके घर से, कौन सी बच्चे थी, छोटी वाली बड़ी वाली? ये नीम का पेड़ है क्या? नीम का एक प्रजाति होती है, डेंगड़ बोलते हैं, डेंगड़। पर ये इसकी क्वालिटी तो नीम जैसी होती होगी, कड़वी कड़वी टाइप। काम का पेड़ है ये, अमरूद है, शहतूत नहीं हो रही। बच्चे को पकड़ने के बाहर गए, और ये बिट्टू के मजे हो रहे हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की शिमला मिर्च। वैसे मुझे बहुत पसंद है, मैं कच्ची खाती भी हूँ, और ये मेरा मन भी कर रहा है खा लूँ गया। अरे मैंने कहीं पढ़ा था, मुझसे डॉक्टर ने किसने बोला था, तीन कच्ची भिंडी रोज़ खाने के लिए, तो मैं इसे खाती हूँ। मीठी है यार, अच्छी हो रही है। Okay.
ये हरी सब्जी है, ये धनिया है, ये भिंडी के पेड़ है, ये देखो पपाया, ये ना पपाया के सीड्स, जो मार्केट का पपाया था उसके सीड्स को ही बो रखा है और उससे हुए हैं। मैंने भी लगाए हैं अपने गमले पे, पता नहीं वो होगी कि नहीं। ये टमाटर है देखो, ये गाबा तो सब जगह अवेलेबल होता है, पिनालू कहते हैं इसको। और ये जो फोल्डेड पत्ती है ना, इसकी सब्जी बनती है। और जो ये खुले पत्ते हैं इसे नहीं खाते, इनकी जड़ में होता है पिनालू, वो खाते हैं। लाडो को यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, इसको खेलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिली। हाँ अभी हो गई थी भम्मा, नीचे उतर जाओ आराम से। ये है मिर्ची के पौधे, इसमें मिर्ची लगी नहीं है, मुझे फूल दिख रहे हैं मिर्ची, वाइट वाइट कलर के। इसी में लगेगा फ्रूट यानी कि चेले। वो देखो बैंगन कितना प्यारा है, यहाँ खेती अच्छी है। देखो मिट्टी कितनी सूखी है, इतना पानी भी डालते हैं, ये भी अच्छी है। यह भिंडी के पेड़ ढेर सारे, ये खाऊंगी कच्ची भिंडी। हम डिनर कर चुके हैं, 10:15 हो रहा है। एक दो दिन में फिर व्लॉग बनाऊंगी अगर हम कहीं घूमने गए, अदरवाइज़ आपको होम टूर करवाऊँगी जनासू का, यानी कि हमारे घर का, मेरे ससुराल वाले घर का। और हो पाएगा तो मेरे फैमिली मेम्बर्स से भी आऊँगी। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।